गुरुमुख से सुना हुआ मंत्र ही प्रभावी होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे राइफल की गोली, देखिए कारतूस, कारतूस के ऊपर डंडे मारे, पत्थर मारे, वह अपना प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन गोली जब नली में पहुंचती है, बंदूक की नली में, नीचे से उसका हॉर्स दबा दो, वो अपना कमाल कर देती है। जैसे गोली के लिए नली चाहिए, उसी प्रकार से मंत्र के लिए किसी महात्मा की बोली चाहिए। गोली फैल हो सकती है लेकिन बोली फैल नहीं हो सकती। मंत्र रूपी गोली किसी महात्मा की बोली से स्फुटित होती है तो वो अपने आप में प्रभावित होती, बहुत प्रभावित होती है, बहुत ज्यादा उसका असर होता है। इसलिए वह मंत्र जो जपा जाता है, वो गुरुमुख से निकला हुआ है, वह बड़ा प्रभावी होता है। आप बहुत काम करते हैं पूजा पाठ के नाम पर, लेकिन सांभव पुराण ने कहा कि ये सब अधूरे हैं यदि जप करने की आदत नहीं है तो। मैंने पूर्व में बोला होगा आपको, जरूर एक आसन अपना रखिए, एक पंच पात्र रखिए, जब भी पूजा में बैठें तो पंच पात्र जरूर रखें। पंच पात्र के बिना, जल के बिना कुछ भी नहीं, सब बेकार है। माला रखें, गोमुखी रखें, अकेले में जप रहे हैं तो माला भले ही खुली हो, माइक खोलो भाई, और सबके बीच में आप जप कर रहे हैं तो आपकी माला गोमुखी में हो या वस्त्र के अंदर हो। तो है मंत्र प्रभावी होता है, भले ही एक माला आप जपें, नित्य जप करें, क्योंकि जप को यज्ञ से जोड़ा है। नारद जी ने कहा, अतः परमं प्रवक्ष्यामि जप यज्ञ विधिक्रमं यद यत्नैः सर्वथा चैव कर्तव्या कथयामि ते। हे सांभ, जो जप होता है ना वो यज्ञ का रूप है, इसलिए इस बात को ठीक से सुन लें। गीता में, गीता जी में भी कहा है कि जप यज्ञ है, और साम पुराण में भी कहा है, क्या कह दिया, सर्वेषामेव यज्ञानां जप यज्ञो विशेषते। यज्ञों में जप यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ भी तो वही तो प्रभावी होते हैं जिसमें माला लेकर के जप करके मंत्र की आहुति डाली जाती है। खाली स्वाहा 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 करने से कुछ नहीं होता, उसमें भी माला हाथ में होती है, मंत्र से आहुति डाली जाती है। माला ना हो, अब मान लिया जाए एक ही व्यक्ति आहुति डाल रहा है, अब माला से वो जप करेगा या फिर वह श्रवा से घी छोड़ेगा, साकल्य छोड़ेगा, तो दो काम तो एक साथ हो नहीं पाएंगे। वो बाएं हाथ में माला पकड़ नहीं सकता, तो समय माला की जरूरत नहीं है, मुंह से उच्चारण करे और हाथों से उसको क्रियान्वित करे, यानी आहुति डाले। समझ में आ रही है बात? तो गर्दन क्यों नहीं हिलाते हैं आप? बात समझ में आनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लिखा है कि सर्वेषामेव यज्ञानां जप यज्ञो विशेष्यते। यज्ञ बहुत हैं, लेकिन उन यज्ञों में जप यज्ञ को बहुत बड़ा विशेष माना गया। जप के द्वारा भगवान के चरणों में प्रीति जुड़ती है, प्रेम जुड़ता है। हनुमान जी ने इसी प्रेम के द्वारा भगवान को खासम खास बना लिया, और भगवान को भी यदि प्रिय है तो क्या है, प्रेम ही तो प्रिय है। वो जप करने से प्रेम बढ़ता है, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है। आप एमन सोचिएगा कि भगवान आपके महंगे कपड़ों से प्रसन्न हो जाएंगे, तो सुपर्ण खां की पोशाक बड़ी महंगी रही होगी, क्योंकि बहुत बड़े राजा की बहन थी, तो भगवान तो कपड़े लत्ते पर तो नहीं होते प्रसन्न। भगवान तो भक्तों के समर्पण के ऊपर, बोलिए मत, भक्तों के समर्पण के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ये न केन प्रकार न, अपने प्रेम को बढ़ाइए, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को यदि प्रिय है तो वह प्रेम प्रिय है।
लिखा है कि सन्यासी जब सन्यास लेता है तो सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन वह जप नहीं छोड़ता। आग छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, दुनियादारी छोड़ देता है, सम्मान छोड़ देता है, रोटियां छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, लेकिन यहां क्या लिखा है, जप्यम जपंतम संन्यासम कुर्वन्ती सुसमाहिता। सन्यासी महाराज जी जप नहीं छोड़ता, जो छोड़ने के लायक नहीं है वह भगवान का नाम ही तो है, मृत्यु पर्यंत तक इस जिह्वा से वह भगवान का नाम निकलता रहे।